हेलो दोस्तों, बीकेसीआई कंप्यूटर एजुकेशन में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में ट्रिपल सी एग्जाम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, जैसा कि आप सभी स्टूडेंट फेसबुक के बारे में जानते हैं, ये क्वेश्चन कई बार ट्रिपल सी एग्जाम पूछा गया है। फेसबुक का एग्जाम्पल है आंसर ऑप्शन ए ई लर्निंग, ऑप्शन बी सोशल नेटवर्किंग, ऑप्शन सी वॉट, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर है, जो ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं, सोशल नेटवर्किंग। क्वेश्चन नंबर टू की बात करते हैं। किसी विंडोज एप्लीकेशन में सबसे ऊपर कौन सा बार होता है, सबसे ऊपर कौन सा बार होता है? ऑप्शन ए मेनू बार, ऑप्शन बी टाइटल बार, ऑप्शन सी टूल बार, ऑप्शन डी स्टेटस बार। तो ऑप्शन बी राइट आंसर, टाइटल बार। क्वेश्चन नंबर थ्री की बात करते हैं। लिब्रा ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या है? आंसर ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस F2, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस N, ऑप्शन डी अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस ओ। तो राइट आंसर ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की। कैलक में कुल कितने कॉलम होते हैं? ट्रिपल सी एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि कैलक में कुल कितने कॉलम होते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर 1024, 1024। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैलक में कुल कितने कॉलम होते हैं, इसका जो राइट आंसर है वो आपका 1024। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव। निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का यूज रन प्रोग्राम विंडो खोलने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी विंडो प्लस आर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल सी एग्जाम में पीछे कई बार पूछा जा चुका है, तो आप इसे लर्न करिए। यूपीआई की फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस है, ये ऑप्शन ए ट्रू, ये राइट आंसर है। जो यूपीआई की फुल फॉर्म है वो आपको लर्न करना है, कभी ये ट्रू फॉल्स में दे दिया जाता है, कभी ऑप्शन में दे दिया जाता है। तो आपको ये यूपीआई की फुल फॉर्म सभी स्टूडेंट्स को क्लियर लर्न होना चाहिए। इसकी जो यूपीआई की फुल फॉर्म है वो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन की। यूपीआई किसके द्वारा विकसित किया गया? तो ये यूपीआई है, वो किसके द्वारा विकसित किया गया? तो ऑप्शन ए UIDAI, ऑप्शन बी NPCI, ऑप्शन डी बॉट, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो इसमें जो ग्रीन कलर है आपका ऑप्शन बी NPCI, तो आपका राइट आंसर है। और जो NPCI की फुल फॉर्म भी पूछी पूछी जा चुकी है, तो इसकी जो फुल फॉर्म है NPCI की वो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो NPCI की फुल फॉर्म है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने की शॉर्ट की F2 है, ये आप बिल्कुल राइट है, मतलब ये ट्रू है, ऑप्शन ए सही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन की। डेस्कटॉप पर आने के लिए शॉर्टकट की विंडो प्लस डी है, ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो ग्रीन कलर ऑप्शन ए, ये आपका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन पर। इम्प्रेस में बुलेट्स और नंबरिंग का विकल्प फॉर्मेट मेनू में होता है, राइट आंसर ऑप्शन इसका है ट्रू, ये बिल्कुल सही है। इम्प्रेस में जो बुलेट्स और नंबरिंग का जो विकल्प होता है फॉर्मेट मेनू में होता है, तो इसका ऑप्शन ए ट्रू, इसका राइट आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।